टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाने महानगर पालिका ने खरड़ी रोड दोस्ती बिल्डिंग के पीछे बन रहे इमारत पर की जमकर कार्रवाई। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। जब से थाने महानगर पालिका में बदलाव किया गया है तब से हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में अतिक्रमण विभाग की उपायुक्त अश्विनी वाघमले को हटाकर उनकी जगह पर उपायुक्त अशोक भुरपुल्ले को सौंपा गया है और यही वजह है कि लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और थाने महानगर पालिका के हद में आने वाला दीवा प्रभाग समिति में आज की पहली कार्रवाई किया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें कार्रवाई कई बार किए गए हैं। 183 बार दीवा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं खैरे मैडम, उन्होंने बताया 183 बार कार्रवाई की गई है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आज पहली बार की गई है जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देखें एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 बन रहे बिल्डिंग पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 80 वर्कर्स, 3 जेसीबी, 1 पोकलेन के साथ कलवा मुंगरा दीवा के 3 सहायक आयुक्त और अतिक्रमण थाने से फारूक शेख यानी 4 सहायक आयुक्त ने मिलकर एक साथ 7 बिल्डिंगों पर कार्रवाई की। 2 की प्लिन से जेसीबी चला दी। एक इमारत में बताया जा रहा है रह रहे थे, उन्हें बाहर निकालकर स्लैब तोड़ दिया। इसी तरह से 7 बन रहे इमारतों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त खैरे मैडम का कहना है इसी तरह से हर रोज कार्रवाई होगी। लगभग 6 से 7 घंटे की कार्रवाई के दौरान इस कार्रवाई में अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त अशोक भुरपुल्ले ने दौरा किया। उन्होंने भी कहा लगातार कार्रवाई होनी है। बहरहाल हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह की आज कार्रवाई चली है और इस कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खैरे मैडम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए दीवा में आज 31/1/2022 है आज, और आज के दिन जो है 7 जगहों पर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई हुई इसलिए है कि जनता जो है अनधिकृत बिना परमिशन के बांधकाम करती है। हमारा शासन का ये ऐसा नियम है, महापालिका का ऐसा नियम है कि आप जो भी करें आप नियम से करें, आप परमिशन लेकर करें। अभी हमने इसके पहले भी आप देखते हैं मैंने कम से कम 183 के ऊपर मैंने जो है कार्रवाई की हुई है, यानी 183 बार हमने जो है बने हुए जो बांधकाम है वो गिराए हैं। कई बांधकाम तो ऐसे हैं जो हमने 5-5, 6-6 बार कार्रवाई की है। हम लोग भी जो काम करते हैं या हम भी तोड़ू कार्रवाई नहीं करते हैं, हम भी पूरी कार्रवाई ही करते हैं, लेकिन होता यह है कि हम कार्रवाई करके हमारी पीठ पीछे हुई नहीं कि फिर से वहां पर बांधकाम शुरू होता है। आपके माध्यम से आप जो है हमारी इस संस्था का 4th आधार स्तंभ है। आपकी माध्यम से आप जनता को ऐसा आह्वान है मेरा कि वो अनधिकृत ना बनाए, वो कोई भी चीज बिना परमिशन के ना बनाए, वो हमारी परमिशन ले, रीतसर उसको परमिशन लेने के बाद ही बनाया जाए। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि शहर जो है वो अच्छा दिखता है, उसका विद्रूपीकरण नहीं होता। ये ऐसा करने से शासन उस जगह पर अच्छे से रास्ते बना सकते हैं, नाले बना सकते हैं, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा सकता है। और खान कंपाउंड एक ऐसा है कि जहां पर कितना भी कार्रवाई क्यों, मैंने बताया आपको मैंने 183 से ज्यादा मैंने कार्रवाई बार ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बनते रहता है। और हमने ये इसको आपके माध्यम से पुलिस जो है पुलिस को भी हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जब उन पर गुनाह दाखिल करते हैं, MRTP दाखिल करते हैं, तो उसके बाद वो भी ध्यान दे। कितनी टीम थी आज जो है, किस किस मतलब प्रभाग समिति के लोग थे, कितने मतलब उसमें जो है वार्ड ऑफिसर थे और आपके कर्मचारी कितने थे और कितने जेसीबी लगी हुई थी? देखिए आप लोग सब साक्षीदार हैं, आप सबने देखा है मेरे 80 लेबर थे, 3 जेसीबी थे और बाद में शाम को एक पोकलेन भी आया था, प्लस मेरे करवा दीवा मुमरा के हम सहायक आयुक्त थे, वैसे ही अतिक्रमण विभाग के भी सहायक आयुक्त मिस्टर फारूक शेख भी थे, तो हम 4 लोग थे।